हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। सो आज फ़िलहाल मैं बनाने जा रहा हूँ, मैं इसलिए बनाने जा रहा हूँ कि आज सैटरडे है, मेरा ऑफ होता है। सो मैंने कहा लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। सो आज हम खीर बनाएंगे और जिसके लिए कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, अभी मैं उनको कट कर रहा हूँ और उनको ड्राई फ्रूट्स को मैं फ्राई करूँगा हल्का सा। और मैंने एक स्मॉल क्वान्टिटी के चावल को धो लिया है और उसको अभी सोक करने के लिए, मतलब फुलाने के लिए भी रख दिया है, वो दिखाता हूँ आपको। सो ये फुलाने के लिए चावल रख दिया है मैंने आधे घंटे के लिए, ये हो गया। और अभी ड्राई फ्रूट्स हैं, ये इधर कट मैं कटिंग कर रहा हूँ ड्राई फ्रूट्स की। सो अभी ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई कर लिए हैं और अब मैं बनाने जा रहा हूँ कैरमल। सो ये शुगर ले लिया मैंने, शुगर को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और अपना कैरमल तैयार करेंगे। सो चावल अभी मैंने 30 मिनट्स के रखे हुए हैं, अभी 30 मिनट्स हुए नहीं। सो अभी इसको टच नहीं करते हैं, बाकी सारे काम जो भी होते हैं वो हम कर लेते हैं ताकि हमारा जल्दी जल्दी बन जाए, डिले ना हो, जैसे चावल को आधे घंटे हो जाते हैं तो। सो मैंने इतनी चीनी ली है, ज़्यादा नहीं ली है, आई डोंट नो, अगर ज़्यादा ले लूँ ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो सही नहीं लगेगा, तो मैंने इतनी ली है। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स सी सब अच्छा बने। सो हमारे यहाँ जिस दिन भी ऑफ होता है उस दिन चलती रहती है साउथ इंडियन मूवी, जो आप देख रहे हैं कविता साउथ इंडियन मूवी देख रही है, मैं भी देख रहा हूँ साथ में। और ये देखिए हमारे साहबजादे जो हैं क्या करते रहते हैं, आपको अपना गार्डन भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये दिन बस सता नहीं कर रहे हैं। ये देखिए स्नेक प्लांट, धनिया है, कढ़ी पत्ता है, कच्चा प्याज। ये देखिए ये आज हम ले गए हैं ये दोनों प्लांट। और ये टोमेटो मेरे बड़े हो रहे हैं, ये भी देखिए टोमेटो बड़े हो रहे हैं। और ये गुड़हल का फूल मिल रखा है। और ये चुनिया, ये देखिए सतान दिन भर ही बैठ रहते हैं। सो इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं करा हुआ है, ये कलर खुद ब खुद आया हुआ है। देखिए इसको मैं निकाल लेता हूँ, पता चलते अपने दूध को बॉईल करते हैं। सो ये ले ली है मैंने दूसरी कढ़ाई जिसमें मैं दूध को बॉईल करूँ, इसमें मैंने घी डाल दिया है। तो डालता हूँ दूध, ये तकरीबन हाफ के जी मिल्क मैंने लिया हुआ है, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ इसलिए मैंने हाफ के जी लिया है। ट्राई करते हैं कितना होता है, कैसा बनता है। सो चावल फूल गए हैं, अब चलते हैं चावल पे काम करते हैं। सो ये चावल भी मैंने सुखा लिए हैं, अब इसमें लगा देते हैं घी 1 चम्मच। दूध भी ऑलमोस्ट बॉयल हो गया है। पता हम लोग को लगता है कि कोई भी चीज़ कितनी आसान है, बन जाएगी थोड़ी देर में, पर कोई भी चीज़ आप बनाते हैं ना बहुत मेहनत लगती है, तो नथिंग इज ईजी। हमें हो सकता है कि हम कुछ वीडियोस देखते हों जहाँ पर लोग आते हैं तुरंत खाना बनाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी चीज़ बनाने में एक तो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो सब आपको इकट्ठा करना होता है, देन उसको बनाने में भी काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद भी आपको नहीं पता कि एंड रिजल्ट कैसा होगा और जो आपका एंड कंज्यूमर है उसको चीज़ें कैसे लगेंगी या नहीं लगेंगी। लेट्स ट्राई, उम्मीद करते हैं चीज़ें अच्छी बने और अच्छी लगे। और अगर आप लोग को भी बनाना हो तो आप भी ट्राई करिएगा, ट्राई करने में क्या जाता है, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक हम कैसे बोल सकते हैं कि यार हम इसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। हाँ चलिए, अब चावल में 1 चम्मच घी डाल के उसको थोड़ा सा लपेट देते हैं और फिर फर्दर काम चालू करते हैं। सो ये घी डाल दिया मैंने इसमें, इसको मिक्स कर देता हूँ।
सो ये मैंने चावल डाल दिया है, थोड़ी इस तरह से हो गई है। अब इसमें से थोड़ा सा पार्ट हम निकालेंगे जो हम इसमें डालेंगे और फिर हम इसको मिक्सी में पीसेंगे वहाँ पे। चलो निकाल लेते हैं। देखिए ये मैंने मिक्सी निकाल ली है, अब इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं। मिक्सी में पीसने के बाद ये हमारी जो चावल थी खीर वाली वो कुछ इस तरह से हो गई है। अब इसको हमें इसमें डालना है, इसको हमें इसमें डालना है, सिलेक्ट कर देते हैं। सो कुछ इस तरह से ये हो गई है फिलहाल। अब इसमें हमें ऐड करनी है कैरमल, तो वो भी हम ऐड कर। सो ये बनी है मेरी खीर। आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा है, वो मैं बाद में बताऊंगा जब खाऊंगा इसको। मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाल दिए हैं, देखने से अच्छी लग रही है। आई होप इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो। सो इस कैरमल खीर को बनाने में काफ़ी बर्तन गंदे हो गए और किचन का प्लेटफॉर्म भी गंदा हो गया, बहुत सारा दूध लगा, बहुत सारी चीज़ें लगी। सो बट देखने से अच्छा लग रहा है। आई होप चीज़ अच्छी बनी हो और कविता को अच्छा लगे। इसको तो खैर कुछ खाते ही नहीं है, मुझे भी अच्छी लगनी चाहिए। और देन देखते हैं फिर कुछ दूसरा डिश बनाएंगे और इसका फीडबैक मुझे दूंगा। और आप भी ट्राई करिएगा अपने घर पे। सो भाई साहब अपनी बनाई हुई खीर खा रहा हूँ, टेस्ट सही है, ज़्यादा मीठी नहीं है। ज़्यादा मीठी करनी थी पर ज़्यादा मीठी हो नहीं पाई, तो ठीक ठाक बनी है, खा रहे हैं, फर्स्ट टाइम है। सो आई होप नेक्स्ट टाइम और अच्छा बने और सब लोग इस फूड को एंजॉय करें। सो आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में करिए बताइएगा कि या जब आपने खीर बनाई तो कैसा लगा, सबके रिएक्शन क्या थे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।